नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम, आज की वीडियो धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं रहेगी, एक सत्य जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। धनु राशि के लिए शनि की साढ़े साथी खत्म होने के बाद क्या फल मिलेगा आपको, शनि की साढ़े साथी अभी आपको क्या फल दे रही है, और साथ ही साथ दोस्तों अंधविश्वास और डर, ये दो चीज आज मैं आपको निकाल कर ही रहूंगा आपके मन से। दोस्तों, धनु राशि हमारे इस पृथ्वी के अंदर लाखों करोड़ों लोगों की होगी, लेकिन क्या सिर्फ धनु राशि वाले लोगों को एक जैसा फल मिल रहा है? आपकी भी धनु राशि है, आपकी भी है और आपकी भी है, क्या तीनों लोगों को एक जैसा फल मिल रहा है? आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक चीज साफ सीधी बोलना चाहता हूं, सिर्फ सत्य जानकारी देना चाहता हूं कि अपनी जन्म कुंडली में दो चीजें होती हैं, एक तो लग्न कुंडली, एक चंद्र कुंडली। जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये चंद्र कुंडली के हिसाब से बना रहा हूं, लेकिन आपकी लग्न कुंडली यानी कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, शनि कौन से भाव में बैठे हैं, आपका लग्न क्या है, राशि क्या है, वो मुझे कमेंट करिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फल मिलता है आपकी जीवन पर। क्योंकि जन्म कुंडली ऐसे ही नहीं बन जाती, हमारे कर्मों का फल है और उसी के अनुसार हम जन्म लेते हैं। शनि की साढ़े साथी खत्म कब हो रही है? मई अप्रैल 2022 में, यानी कि मई 2022 में आपकी शनि की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, अप्रैल के लास्ट में। उसके बाद आपको क्या फल मिलेगा, अभी आपको क्या फल मिल रहा है मैं बताता हूं आपको। जितना आप आगे बढ़ने की सोचते हैं अपने कर्म क्षेत्र में, कोई ना कोई रुकावटें आपके सामने आ जाती है। घर परिवार में छोटी छोटी चीजों की वजह से कलेश हो जाता है। अगर आपकी शादी हो रखी है तो अपनी शादी में जितना अच्छा करने की सोचते हैं, आपस में तालमेल बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं, आपस में विचार अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पेशेंस लेवल में कमी हो जाती है। यहां पर कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में मेहनत तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचीवमेंट्स, लेकिन वहां पर सक्सेस किसी और को मिल जाती है। ऐसा लगता है कि मेरी ही किस्मत क्यों खराब है। यह हुआ साढ़े साथी का इफेक्ट। लेकिन फायदा क्या अच्छा हो रहा है, मैं दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा, अच्छा और बुरा। बुरा तो आपके साथ में ये हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मन में आ जाती है, उन चीजों को बाहर निकालिए, उपाय मैं आपको साथ में दूंगा। अब अच्छा यहां पर आपको क्या फल देखने को मिलेगा, क्या अब बदलाव देखने को मिलेंगे? घर परिवार में जो समस्याएं, जो परेशानियां आपके साथ में बनी हुई है छोटी छोटी चीजों को लेकर, वो परेशानियां अब समाप्त हो जाएंगी। और सारे साथी खत्म होने के बाद यहां पर डेली इनकम में फायदा अच्छा होगा, भाग्य में वृद्धि अच्छी होगी, कर्म क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों पर जाने का मौका आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि अब शनिदेव आपसे प्रसन्न है, प्रसन्न यानी कि खुश है आपसे, आपसे मेहरबान है। वो मेहरबान क्यों है आपसे, क्योंकि जब शनि की साढ़े साथी जाती है, उतरती हुई शनि की साढ़े साथी बहुत कुछ देकर जाती है, यानी कि धनवान बनाती है, आपको लाभ अच्छा होगा, इनकम अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, नई नौकरी मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं। लेकिन सिर्फ एक बात, अपनी जन्म कुंडली जरूर आप विश्लेषण करवाएं, जरूर करवाएं, उसमें आपकी लगन का मालिक कहां पर है, ग्रहों की स्थिति क्या है, वो दिखवाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये मैंने अब धनु राशि के बारे में बताया आपको। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।